गढ़वा के बिशुनपुरा जतपुरा गांव में शमशान घाट से बालू उठाव मामले में हुए 13 हत्याकांड के लगभग एक पखवाड़ा बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर डीआईजी विपुल शुक्ल एवं आयुक्त राजीव अरुण एक्का की जांच टीम जतपुरा गांव पहुंची। आयुक्त एवं डीआईजी ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों एवं मौजूद ग्रामीणों से एक एक कर जानकारी भी ली, साथ ही मृतक के परिजनों से भी मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी विपुल शुक्ल ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, प्रशासन अपना काम कर रही है। वहीं घटना के तुरंत बाद प्रशासनिक टीम के घटनास्थल पर पहुंच जाने की बातें आयुक्त राजीव अरुण एक्का ने कही। मौके पर गढ़वा उपायुक्त अधीनस्थ पदाधिकारियों के संग मौजूद रही। वहीं गुरुवार के दिन जतपुरा गांव पहुंचकर विधायक भानु प्रताप शाही ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की और सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक भानु प्रताप ने मौके पर कहा कि दोष बालू माफियाओं का है, यह आग जतपुरा ही नहीं बल्कि राज्य भर में। सबसे पहले तो जो घटना घटी है हमको सबसे ज्यादा मर्माहत है कि हमारे क्षेत्र में घटना घटी है और इस दरमियान घटना घटी है जब मैं क्षेत्र में नहीं था। आने में विलम्ब हुआ है, हम गाँव के लोगों से भी क्षमा मांगे हैं इसके लिए। इसके पीछे सबसे बड़ा घटना के पीछे दो सवार जो लोग हैं वो है बालू माफिया, और ये आग केवल जतपुरा में जरूर लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप अंदर जाकर के देखेंगे तो आज पूरे झारखंड में इस तरह की आग लगी है। जिस तरह से बालू घाट की नीलामी हुई है, बंदोबस्ती हुई है, पूरे देश के बड़े बड़े माफिया और डॉन घुसे हैं इस बालू के काम में, तो इस तरह की घटना स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि माफियाओं के द्वारा ही किया गया है। और विधानसभा में भी मैंने इस बात को उठाया था कि बालू घाट की जो बंदोबस्ती नीलामी हुई है यह रद्द किया गया, आप लोगों को स्मरण होगा। आज पुंटी चड्ढा जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल झारखंड में बालू के काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कोई भी बालू के काम करने वाला झारखंडी नहीं, सारे के सारे दूसरे प्रदेश से आए हुए कुख्यात माफिया डॉन अपराधी जिन पर सैकड़ों मुकदमा हुआ है वैसे लोग आज चल रहे हैं। सबूत के साथ रखा है जाए, जितने लोग हम लोग घटनास्थल पर थे सभी से बारी बारी से पूछ लिया जाए कि घटना कैसे हुआ है, कब हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया है। जिस तरह से पूछताछ हुई आप लोग से, क्या उम्मीद है कि अब जांच पूरा हो पाएगा? उम्मीद तो है और विश्वास है, अगर नहीं भी होगा तो इन्हीं लोग के ऊपर हम लोग हैं, प्रशासन के ऊपर हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी हैं, उम्मीद का किरण इन्हीं लोग हैं। चाहे हम लोग परिवार तो मेरा खत्म हो गया है, अब बस सिर्फ अकेला हम बचे हैं, अब जो होगा उम्मीद यही है भैया भानु भैया। अब शहीद के दर्जा देने की मांग कर रहे थे, क्या मांग? जी हम सरकारी संपत्ति को बचाने में हमारे तीन लोग भाई, दो भाइयों और एक चाचा का जान गया है, और इसके लिए अब शहीद का दर्जा विधानसभा से आवाज आए और शहीद का दर्जा मिले।